तो अभी हम लोग किसी कंपाउंड के एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला की बात करेंगे। अब सबसे पहले कंपाउंड क्या होता है, ठीक। तो कंपाउंड्स जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स दिख रहे होते हैं। दूसरा, कंपाउंड कितने तरह का होता है, तो दो तरह के हम कंपाउंड्स की बात करेंगे, एक मॉलिकुलर कंपाउंड और दूसरा आयोनिक कंपाउंड। मॉलिकुलर कंपाउंड्स में आप एलिमेंट्स के एटम्स को देखते हो, आयोनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स के आयंस को देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कंपाउंड को एक फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जिसको हम लोग अगर मॉलिकुलर कंपाउंड है तो मॉलिकुलर फार्मूला बोलते हैं, और अगर कंपाउंड आयोनिक है तो उसके लिए होता है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं कंपाउंड की बात, सबसे पहले कंपाउंड्स देख लें, तो कंपाउंड यहां पे जाहिर सी बात है दो तरह का होगा, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड दूसरा आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पे अगर हम ले लें कि फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है, और यहां पे अगर हम लिखें कि फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ये हम देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और मे नॉट बी एम्पिरिकल इन नेचर, ठीक है। तो ये दो बात यहां पे। अब नेक्स्ट चीज है कि फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला जिसमें कंपाउंड्स के एलिमेंट्स का कंपोजिशन दिया रहता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहां देखते हैं कि इन फॉर्मूला, ठीक है, देयर इज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड, ठीक है, बाय नंबर ऑफ एटम्स और आयंस, ठीक है। यानी कि कोई भी फॉर्मूले में हम देखते हैं कि उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम्स या आयंस का जो नंबर्स है, रिलेटिव नंबर है, वो दिया रहता है, ठीक है। अब अगर हम दे दें कि इन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और आयंस, ठीक है, इन कंपाउंड। सिंपलेस्ट रेशियो दिया जाता है, एंड इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट
shows actual number of atoms of elements in per molecule of compound. तो ये दो चीजें यहां पे दिख रही है, empirical and molecular. Empirical formula actually simplest ratio बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि एक यूनिट में कितने आयंस हैं, कितने कैटायंस, कितने एनायंस हैं, वो कभी नहीं बताएगा. एक्चुअली वो सिंपलेस्ट रेशियो देता है, और मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो अब सबसे पहले ये बात है कि मॉलिकुलर कंपाउंड के लिए फार्मूला मॉलिकुलर, आयोनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला एम्पेरिकल, और इसी को हमें देखना है कि ये मॉलिकुलर और एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग लाएंगे कैसे. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इफ इन कंपाउंड परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है then empirical formula of compound is to be determined first. सबसे पहले तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लाते हैं. ठीक है, फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड. वो रिलेशन क्या है? तो हमें लेना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला. इनटू इस एम्पिरिकल फार्मूला को हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या सीधे तौर पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी लेते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मास से. एम्पिरिकल फार्मूला मास ठीक है. तो सबसे पहले तो हमको लाना होता है एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें मॉलिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो उस क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा, उस परसेंटेज कंपोजिशन के यूज से हम डायरेक्टली एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं. ठीक है, इस एम्पिरिकल फार्मूला को फिर हम फर्दर मॉलिकुलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर कंपाउंड आयोनिक हो तो हम एम्पिरिकल फार्मूला तक ही रुक जाएंगे, और अगर कंपाउंड मॉलिक्यूलर हो तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला और उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे. अब जैसे हम लोग ये देखते हैं एक प्रॉब्लम में, कि इन अ कंपाउंड percentage composition of carbon, hydrogen and
ऑक्सीजन H 46.66 53.34 by mass respectively. Calculate molecular formula of compound तो देखो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ऑब्टेंट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं ला सकते. हम इस परसेंटेज कंपोजिशन को सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला में चेंज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180. यूनिट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. अगर सीधा मॉलिक्यूलर मास है तो 180 यू लिख देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो 180 ग्राम लिख देंगे. यूनिट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लें तो 180 ही चलेगा. ठीक, तो सबसे पहले हमें लाना है एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि इसका हम सॉल्यूशन जो दें तो हमें सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला लाना है. तो हमें करना क्या होगा कि फॉर एम्पिरिकल फार्मूला We have to determine simplest ratio of moles. ठीक है, और किसके moles? Atoms of elements. Simplest ratio of moles of atoms of elements. ठीक है, यानी कि हर एक एलिमेंट्स के एटम्स के मोल्स के रेशियो को देखना है. ठीक, तो वो हम कैसे देख लेंगे? तो एलिमेंट्स कौन कौन सा है? कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और ये हमेशा ख्याल रखना है कि हमें अब कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स को देखना है. कभी आप ऐसा नहीं करोगे कि कंपाउंड के अंदर आप मॉलिक्यूल्स के रेशियो को देखो, वो कभी नहीं होगा. कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का एटम्स होता है. ठीक है, तो ये हो गया. इस तरह से ये एक चार्ट बना लिया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब जैसे इसमें यहाँ पे परसेंटेज मास दिया हुआ है, करेक्ट, इस परसेंटेज मास को हम लोग परसेंटेज मोल्स में बदल सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि उनका रिलेटिव मोल्स क्या है. परसेंटेज मास के बाद हम उनके रिलेटिव मोल्स को देखेंगे. ठीक, और रिलेटिव मोल्स को देखने के बाद उनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे. सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स. ठीक है, तो रिलेटिव मोल्स का मतलब मोल्स रेशियो हो जाएगा. ये हम मोल रेशियो भी ले सकते. ठीक है, तो परसेंटेज मास पहले लिख दें. ये है 40, ये है 6.66 और ये है 53.34. ध्यान ये भी रखना है, कभी कभी कुछ डेटा एरर होता है तो आपको चेक करना है, क्योंकि इस कंपाउंड में हम तीन ही एलिमेंट्स की बात करते हैं. तो तीन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो तीनों के परसेंटेज मास का जो सम होना चाहिए वो 100 होना चाहिए. आपको ये चेक कर लेना है खुद से. ठीक है, और अगर ये 100 है तो फिर आगे बढ़ जाना है. अब हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि पर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड देर इज 40 ग्राम ऑफ कार्बन, 6.66 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 53.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो अब हम इसे मोल्स में बदलेंगे. तो मास को मोल्स में बदलने के लिए, और मोल्स किसका? तो एटम का. तो इसलिए जब हम मास को मोल्स में बदलेंगे तो हमें एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा. ये आ गया. ठीक है, इसी तरह से ये 6.66 बाय 1 करेंगे. ध्यान देना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 53.34 को 16 से डिवाइड कर देंगे. 12 एटॉमिक मास है कार्बन का, 1 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का. अब ये कितना आ जाएगा? तो ये 3.9
3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया 6.66 और ये कितना आ जाएगा, तो ये भी 3.33 आ गया, ठीक है। अब आपको सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम क्या करते हैं कि इस तीनों में जो सबसे छोटा है उसी से तीनों को डिवाइड कर देते हैं। तो तीनों में सबसे जो छोटा है वो एक 3.33 है, 6.66 है, 3.33 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो 3.33 है, तो तीनों को उसी से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 3.33 को 3.33 से डिवाइड कर दे तो 1 आ गया, 6.66 को 3.33 से डिवाइड कर दे तो 2 आ गया, और फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो देख सकते हो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, और इस तरह से हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने ले लिया, ये आ गया कार्बन का एटम्स का नंबर 1, हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर 2 और ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर 1। एकदम बिल्कुल क्लियर आ गया, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन अगर दिया है तो आप सबसे पहले निकालोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला जब आ गया तो अब आप चल सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यूज अब कर सकते हैं कैसे, तो दिस इज गिवन बाय एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि हमने रख दिया CH2O और इस चीज़ को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जो मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि हमें लेना है 180, रिलेटिव ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब एम्पिरिकल फार्मूला से जो मास आएगा वो देख लीजिए, तो एम्पिरिकल फार्मूला से मास 12 प्लस 2 14 प्लस 16 यानी कि आ गया 30, तो ये 30 ये भी रिलेटिव हो गया, और इस तरह से आपका जो वैल्यू आ गया वो 6 आ गया, यानी कि यहाँ से अब कार्बन के एटम 6, हाइड्रोजन के एटम्स 12 और ऑक्सीजन के एटम 6 आ गए। अब ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब यहाँ से ऑब्वियस है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है। एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअली सिंपलेस्ट रेशियो देता है नंबर ऑफ एटम्स का बाय विच दे आर कंबाइंड, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो देगा वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देगा इन पर मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ठीक। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन मिल रहा है आपको, और आपको अगर ये एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है, ठीक, तो क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा, और परसेंटेज कंपोजिशन को डायरेक्टली आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में नहीं बदलोगे, परसेंटेज कंपोजिशन को पहले आप एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करोगे, और एम्पिरिकल फार्मूला से फिर हम ला सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुँचते हैं, और अगर कंपाउंड आयोनिक होगा तो एम्पिरिकल फार्मूला ही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है।